व्हाट्सअप एवरी वन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज ऑफिशियली हमारी अक्कलकुट की ट्रिप स्टार्ट हो रही है। सुबह के 4:15 बज रहे और तैयार हो चुका हूँ मैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा चेंज करके 5 बजे तक हम पूरा फ्रेश वगैरह होके, मतलब चाय वगैरह पी के निकलेंगे यहाँ से। एक मैंने ट्री डायग्राम किया है ताकि आपको अच्छे से पता चले कैसे हमारी जर्नी वाली आ रही है। तो मतलब यहाँ से एक मिनट में दिखाता हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे गए पूना में। पूना से हम पहले जाएंगे तुलजापुर, जो कि है 300 किलोमीटर यहाँ से। ठीक, हालांकि ये अंतर वेरी कर सकता है, क्योंकि ये पूना में, मैं तो वो आरजे में रह रहा हूँ फिलहाल। आप यहाँ से, मतलब ये इधर का डिस्टेंस, ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तुलजापुर से गाणगापुर जाएंगे 143 किलोमीटर्स, और गाणगापुर से अक्कलकोट जाएंगे। मतलब ये दो डेस्टिनेशन आज कवर करेंगे, और अक्कलकोट में फाइनल रहेंगे हम आज रात के लिए। तो यहाँ एक रात निकालने के बाद सुबह सुबह हम निकलेंगे पंढरपुर के लिए। वहाँ से तो वो होगा ठीक 110 किलोमीटर, और पंढरपुर से पूना आएंगे, मतलब कल कल पूना आएंगे 216 किलोमीटर। अभी ये भी किलोमीटर्स वेरी कर सकते हैं, आप पूना में कहाँ रह रहे हो या फिर जहाँ भी रह रहे हो, तो ये भी किलोमीटर्स वेरी कर सकते हैं। तो ये मैंने जो भी है डेस्टिनेशन, वो डायरेक्टली मंदिर के या फिर जो कुछ भी होता है होटल्स के, उसी के लगा है। तो ये 3 किलोमीटर्स एक्यूरेट है, और ये आप जहाँ पे रहते हो उस पे वेरी कर सकते हैं। अभी पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ मैं। एक्यूरेट 5 बज रहे सुबह के। ये इतना ही बस सामान लिया है हमने तीनों मिलके, तीनों का मिलके, क्योंकि आज जाके कल ही आना है, तो 2 दिन के लिए इतना, मतलब बहुत है, काफ़ी से ज़्यादा है, मतलब इतना। फाइनली 5:35 AM को हम निकल रहे हैं यहाँ से। वैसे थोड़ा लेट ही हो गया, थोड़ा सा इतना सा लेट हो गया, लेकिन अभी सभी चीज़ें तैयारी करने में, मतलब उसमें एक 20 मिनट पकड़ के चला, 15 से 20 मिनट थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन चलो निकलते हैं। थोड़ा फ्यूल डालने के लिए रुके हैं यहाँ पे। आज अभी बज रहे गाइस 6:15 बज रहे अभी। ये देखो भर भर के फ्यूल डाल। तो यहाँ से अभी नाश्ते के लिए रुकने वाले हैं। हाँ, नाश्ता के लिए रुकने वाले। अभी ठंड का ज्यादा लग रहा है मुझे, माहौल बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे भी। सुबह सुबह ऐसा लग रहा है अभी, फॉग वगैरह चाय है कहीं, फॉग के साथ चाय। तेरा है, तेरा टेम्परेचर। डैड बाइसेप दिखाना चाहता है, टेम्परेचर तेरा है अभी, तेरा। टेन था, ठंड ज्यादा लगी, मजा आ गया। चाय पी, चाय तो कड़क थी, कड़क चाय थी, कड़क। देखिए क्या वेदर हो रहा है। अभी
अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। रोड तो एकदम ही लाजवाब है, मतलब कह ही नहीं सकते। 240 किलोमीटर आ गया और अभी 9:30 बज रहे, और ऐसा मतलब 10 किलोमीटर आए इतना भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगता। एकदम मक्खन रोड है, मक्खन रोड से एक एकदम मस्त है। हाँ, एकदम 5-स्टार क्वालिटी के रोड है। तो फिलहाल यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये होटल सोलापुर में ही है, सोलापुर हाँ निसर्ग होटल, यहाँ से 10 किलोमीटर में ही सोलापुर है। तो हाईवे पे ही ये होटल मिल जाएगा, कुछ भी ड्राइवर नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा है आज। वैसे वेदर क्लाउडी है, अभी तक कुछ ज्यादा सन आया नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैवल में और मजा आ रहा है। ये देखो इनका यहाँ पे शॉपिंग चल रहा है। ब्रेकफास्ट में फिलहाल हमने मिसल ऑर्डर की है इसका। हाँ, मुझे लगा ये क्या है, मिसल ऑर्डर की है। चाय लेंगे, चाय कॉफी। हाँ, इसके बाद कुछ चाय कॉफी वगैरह लेके न कंटिन्यू करेंगे आगे। देखो ना, ये हर जगह स्टाइल अलग होती है। हाँ ना, और देखो ये सब मिक्सचर गाइस हर जगह पे अलग ही रहते। हमने वो इधर खाया था, उधर मटकी नहीं दी थी, मतलब मिसल में मटकी ही नहीं थी। और मतलब इधर भी कहाँ है अब, इधर हाँ ये देखो, मतलब ये प्रॉपर वाली मिसल कोल्हापुर में ही मिलती है ना एकदम, मतलब जो इसमें मटकी है बाकी थोड़ी सी। वहाँ भी बैठने के लिए सुविधा है, वहाँ भी है, यहाँ भी है। अभी ये तो खैर फुल है, ये पार्टी हॉल। हाँ, ये पार्टी हॉल है। ट्रैवल में गाइस बहुत सारे लोगों का मतलब कहना होता है कि डाइट हमारा मेंटेन नहीं हो पाता वगैरह वगैरह, लेकिन डाइट हम रखते हैं किस चीज के लिए, ताकि हमारी हेल्थ अच्छे से रहे। और पता है हमको कि बाहर नहीं हो पाता, मतलब जो घर हम खाते हैं वो तो बाहर मिल नहीं सकता आप कुछ भी कर। WHO के अनुसार क्या है हेल्थ की डेफिनेशन, मेंटल फिजिकल और सोशल वेलबींग, तीनों आपका होना चाहिए तो आप एक हेल्दी पर्सन कहलाया जाओगे। मतलब हम क्या करते हैं कि हमारा डाइट अच्छे से मेंटेन नहीं हुआ, ये हुआ करके मेंटल हेल्थ हमारी खराब कर लेते हैं। डिस्टर्ब हो जाते हैं, कि डाइट बिगड़ गया ये वो, मतलब उसकी वजह से होता क्या है कि एक हेल्थ हमारे अफेक्ट होती है किसी न किसी तरह से। तो मतलब बाहर आते हो तो एंजॉय करना चाहिए, मुझे यही लगता है ना, बाहर आओ तो डाइट का बिल्कुल एंजॉय करें, मतलब उतना ख्याल रखेंगे जितना ये हो सके उतना नहीं, लेकिन पॉसिबल हो सके उतना रखो, बाकी मतलब थोड़ा एंजॉयमेंट भी बाहर आके करना चाहिए, समझ लो। इसलिए मैंने मिसल तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस। एंजॉय कीजिए और हंसते रहिए। बाय बाय, और लाइक कर दीजिए ब्लॉग। बाय गाइस।